नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दूसरे राज्यों से चोरी की गई गाड़ियों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर दादरी अथॉरिटी में SDM व RC कलर्क के साथ मिली भगत कर रजिस्ट्रेशन करवाए गए। CM फलाइंग ने रिकॉर्ड खंगाल कर ये हेरा फेरी भी पकड़ ली। तत्कालीन SDM सतवीर कुडू और RC कलर्क राजकुमारी सहित अन्यों पर भी केस दर्ज किए गए हैं। पल पल चरखी दादरी से विशेष रिपोर्ट जसवीर फोगाट के साथ। चरखी दादरी अथॉरिटी और तत्कालीन SDM व तत्कालीन RC कलर्क द्वारा मिली भगत कर एक दूसरे राज्यों से आई गई चोरी की गाड़ियों को और उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्रेशन करने का मामला सामने आया। गुप्त सूचना के आधार पर CM फलाइंग ने दादरी SDM कार्यालय का रिकॉर्ड भी खंगाला, जिसके बाद चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेजों का दोबारा रजिस्ट्रेशन होने का खुलासा भी हुआ। CM फलाइंग की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने तत्कालीन SDM सतवीर कुडू और महिला RC कलर्क राजकुमारी सहित अन्य पर केस भी दर्ज कर दिया। राजस्थान व महाराष्ट्र से चोरी की गई दो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी सामने आया। फर्जी दस्तावेज लगाकर इन गाड़ियों का दादरी अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन नंबर भी बदला गया। इनमें एक राजस्थान की गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन HR19N7957 किया हुआ है। SHO ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि तत्कालीन SDM और कलर्क के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दोबारा नंबर बदलने और गलत रजिस्ट्रेशन करने के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 तथा 120B के तहत मामले दर्ज हुए हैं। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। ये साल 2019 में आउट ऑफ स्टेट में जो चोरी शुदा गाड़ियों की यहाँ दादरी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार करने वाले मामला दर्ज रजिस्टर हुआ है। इसमें मुकदमा दर्ज रजिस्ट्री करके जांच आरंभ कर दी। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? धारा 420, 471, 120B। कितने व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ सर? साल 2019 में तत्कालीन रजिस्ट्रेशन कलर के खिलाफ रजिस्टर। मामला क्या था सर? ये क्यों मामला? जो आउट ऑफ स्टेट से जो चोरी शुदा गाड़ी होगी फर्जी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की उसमें कटौती करनी। कहाँ कहाँ के साधनों से था सर? जैसे आउट ऑफ स्टेट सुनती है, देखेंगे।